अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान में उस समय मथुरा पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई जब पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के नेतृत्व में थाना हाईवे और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर सुदामापुरी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग से गांजा तस्करी कर ले जा रहे चार अभियुक्तों को दो गाड़ियों समेत दबोच लिया। जब इन गाड़ियों की तलाशी ली गई, तो उसमें 50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में घिया मंडी निवासी हनी वर्मा, अड़ू की थाना हाईवे निवासी लक्ष्मण, ग्राम बरारी रिफाइनरी निवासी नेत्रपाल और कोसी खुर्द हाईवे निवासी कपिल बंसल शामिल थे, जबकि सुदामापुरी निवासी नरेंद्र कुमार और बरारी थाना रिफाइनरी निवासी चिंटू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से इटोस कार और एल्टो कार बरामद की है और 50 किलोग्राम गांजा समेत 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इस सफलता को लेकर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि बरामद 50 किलो गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। Now, the RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.